ठीक है, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन उसमें रह गया था। फाइनेंस कमीशन का मेन वैसे पर्पस क्या है? डेवल्यूशन ऑफ टैक्सेस। तो डेवल्यूशन ऑफ टैक्सेस दो तरह के होते हैं, एक तो सेंट्रल जो टैक्स कलेक्ट करेगा उसमें से कुछ जो हिस्सा है वो स्टेट्स को देगा, ठीक है। दूसरे लेवल पे जाएंगे तो स्टेट्स जो टैक्स कलेक्ट करेगा वो भी डिवॉल्व करेगा किसे किसे, अपनी जो म्यूनिसपैलिटीज हैं, ग्राम पंचायत हैं, इन सबको देगा, ठीक है। तो उनका स्टेट का भी फाइनेंस कमीशन होगा एक, और एक फाइनेंस कमीशन होगा सेंटर का, ठीक है। तो सेंटर का फाइनेंस कमीशन जो है वो क्या है, जो आर्टिकल्स 280 और 281 में डील करते हैं। 280 में क्या है कि फाइनेंस कमीशन का दिया हुआ डेफिनेशन की फाइनेंस कमीशन तो बीकॉम तो हो क्या गया कि आर्टिकल 280 जो फाइनेंस कमीशन को डिफाइन करता है, इसका मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी एक आर्टिकल है इसके लिए, जिसके थ्रू आर्टिकल के थ्रू ये कमीशन बनाया गया है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, और आर्टिकल 281 किससे डील करता है, जो रिकमेंडेशंस होती है फाइनेंस कमीशन की, उनकी क्या वैलिडिटी है, किस किस फील्ड में वो रिकमेंडेशन दे सकता है, तो किस फील्ड में दे सकता है, डेवल्यूशन ऑफ टैक्सेस और फाइनेंसेस गवर्नमेंट के जो है उनके फील्ड में दे सकता है रिकमेंडेशंस, ठीक है। वो बाइंडिंग है कि नॉन बाइंडिंग है, नॉन बाइंडिंग है, गवर्नमेंट चाहे तो एक्सेप्ट करे या ना करे, ठीक है। तो बाइंडिंग नहीं होती फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन। ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं इसके बारे में। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्लियर हो गया आर्टिकल 280 से। और क्वासी जुडिशियल बॉडी, क्वासी जुडिशियल क्या होती है, जैसे जुडिशियल बॉडी का काम क्या होता है, हम जब भी जुडिशियल नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि एक कोर्ट ऑफ लॉ होगा जहाँ जजमेंट के लिए आएंगे, बट एक रूल मेकिंग बॉडी भी होती है। जैसे अगर ये कैसे काम कर रही है फाइनेंस कमीशन, रेवोल्यूशन के रूल्स बना रही है कि कितना टैक्सेस किसे किसे देने से, किस किस फील्ड में और कैसे कैसे डिवाइड करें के बीच में, ठीक है। और स्टेट्स भी आके कह सकते हैं फाइनेंस कमीशन से कि हमें कम दे रहे हो, थोड़ा ज्यादा दे रहे हो, तो क्वासी जुडिशियल बॉडी से कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे कोई सजा या वैसे पनिशमेंट और ये सब दे सकती है, रूल्स बना सकती है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। परमानेंट बॉडी नहीं है, इसका मतलब क्या है, परमानेंट की हर बार जब भी इसका टाइम पीरियड खत्म होता है तो दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, ठीक है। तो इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो नॉर्मली ऐसे होता है, एवरी 5th ईयर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है दोबारा से, इसके रिकमेंडेशन आती है 2-3 साल बाद। तो ऐसा नहीं है कि इस बार अगर फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस जो अभी करंट में चल रही है ना, वो फाइनेंस कमीशन करंट वाली हो सकता है कि पिछले फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस हो, ठीक है। अभी जो फाइनेंस कमीशन है वो अभी वर्क में लगा हुआ है, अगली बार के अगले 5 ईयर में जो रिकमेंडेशन देगा उसके लिए उसके प्रोसेस पूरा प्रोसेस चलता है, क्योंकि असेसमेंट्स होती हैं, सारा डेटा जो है कलेक्ट करते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, उसके बेसिस पर फाइनेंस कमीशन अपने रिकमेंडेशन देता है जो गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर सकती है या नहीं कर सकती, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है इसका, एक चेयरमैन है और 4 अदर मेंबर्स हैं, दीज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अब देख, द चेयरमैन शुड बी अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स, तो कोई भी हो सकता है चेयरमैन फाइनेंस कमीशन का। पब्लिक अफेयर्स का मतलब कि गवर्नमेंट के जो अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड कोई। 4 मेंबर्स, अदर मेंबर्स जो अपॉइंट किए जाते हैं, हाई कोर्ट जज, स्पेशलाइज नॉलेज ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल मैटर्स का जिसमें एक्सपीरियंस हो, स्पेशलाइज नॉलेज मतलब कोई प्रोफेसर वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। और एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, स्पेशलाइज नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, कोई सेक्रेटरी मान लो फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस हो सकता है तो भी कर सकते हैं। स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी के प्रोफेसर हो सकते हैं, पुराने कोई या फिर कोई पीएचडी जिन्होंने कर रखी हो वो भी हो सकता है। देखो तीनों चीजें ऐसे ही सेम सी लग रही है, बट थोड़े अलग अलग फील्ड रिलेटेड ही, फाइनेंस रिलेटेड तो होंगे सर, साथ में ही गवर्नमेंट से जो ऊपर वाले हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटर फाइनेंस की भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक। अब क्या करेगा फाइनेंस कमीशन, जब भी एक रिकमेंडेशन अपने रिसर्च और उसके बाद प्रोसेस के बाद रिकमेंडेशन अपनी देगा, 2 साल 3 साल में अपने रिकमेंडेशन देगा, ठीक है। फिर बताएगा गवर्नमेंट को, क्या बताएगा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। तो हम
फाइनेंस कमीशन किसकी बात कर रहे हैं? सेंट्रल, ठीक है, यूनियन के फाइनेंस कमीशन की। तो क्या कर बताएगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्क फीस शेयर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, एलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स ऑफ रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ सच फीस। इसका मतलब क्या हो कि पहले जो टोटल हमारे गवर्नमेंट के पास आया है शेयर टैक्सेस का, उसमें से बताएगा कि कितना गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखे और कितना परसेंटेज स्टेट्स को दे। अब जब वो डिवाइड होगा कितना स्टेट्स को देना है, तो उस सेक्शन में से कितना कितना हर स्टेट को कितना देना है, वो भी रिकमेंडेशन स्टेट को डिसाइड नहीं करेगा, डिसीजन विल बी ऑन रिकमेंडेशन देगा। और फिर ये तो शेयर हो गया जो उनका रिक्वायर्ड है कि जो शेयर उनको ट्रांसफर किया जाता है टैक्सेस का। दूसरा होता है ग्रांट इन एड्स। एक इसलिए होता है कि कुछ स्टेट्स हो सकती हैं कि दूसरी स्टेट से ज़्यादा बेटर कर रही हैं, उनके फाइनेंसेस बेटर हो सकते हैं, कुछ स्टेट्स की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, ठीक है, हो सकता है फाइनेंशियली नहीं सही कर रहे हैं, फ्लड्स आई हूँ पहले, या फिर उसमें एजुकेशन और उन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा जरूरी है, तो उसके लिए क्या देंगे, सेंटर एक अलग से फंड देगा, उसे ग्रांट इन एड्स बोलते हैं, ठीक है। एड फंड, एड जब भी कोई हेल्प के लिए फंड दिया जाता है तो उसे एड बोलते हैं, तो ग्रांट इन एड्स। तो दैट इज आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि अपने फंड में से दे रहा है, ठीक है। सेंटर अपने जो भी फंड इस उसके लिए असाइंड हुआ था उसमें से दे रहा है। द मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। अब ये मेजर्स बताता है कि कैसे स्टेट का भी, ये भी रिकमेंडेशन इसमें दे सकता है स्टेट्स को कि स्टेट फाइनेंस कमीशन कैसे रिकमेंडेशन करें ताकि बाकी पंचायत म्यूनसिपैलिटीज इनके लिए भी सही से फंड अरेंज हो पाए, ठीक है। बाकी और मैटर्स क्या होंगे, जो भी प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट चाहेगी रिकमेंड करना कि इसके लिए आप अपने सजेशन दें, तो वो भी फाइनेंस कमीशन दे सकता है। अब रिसेंट में देखो फैक्ट हैं बहुत सारे, बट कुछ कुछ इसमें से क्वेश्चन हो सकते हैं कि इस बार के रिकमेंडेशन क्या है। अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन जो है 16 चल रहा है, बट जो रिकमेंडेशंस है वो किसकी चल रही है, 15 फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो 15 फाइनेंस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट 2017, 17 में कॉन्स्टिट्यूट किया, 5 साल के लिए मोस्टली होता है, ठीक है। तो 5 साल बाद अपनी रिकमेंडेशन दी इन्होंने 2021 से लेकर 2025-26 तक की पीरियड में रिकमेंडेशंस, पिछले फाइनेंस कमीशन की 15 में। तो अभी जो डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस है वो किसके बेसिस पे होगा, 15 फाइनेंस कमीशन के बेसिस पे, ठीक है। 15 फाइनेंस कमीशन डिसॉल्व हो चुका है, 16 री कमीशन हो चुका है दोबारा से, ठीक है। द 16 फाइनेंस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 31 दिसंबर 2022। अभी करंट चेयरमैन है अरविंद पेनगारिया। अरविंद पेनगारिया को पहले भी हमने सुना है सर, नीति आयोग चीफ, अच्छा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नहीं थे? ओके हाँ वो भी थे, नीति आयोग में भी थे। तो अरविंद पेनाजारिया तो 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बनाया गया है। द कमीशन हैज बीन रिक्वेस्ट, तो रिकमेंडेशंस क्या है, अब जैसे 2026 तक की रिकमेंडेशन है जो 15 फाइनेंस कमीशन की है वो अप्लीकेबल होंगी, ठीक है। अब जो 2026 से जब शुरू होगा तब रिकमेंडेशंस किसकी चलेगी, 16 फाइनेंस कमीशन। तो अब फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन में क्या होता है, दो तरह का डेवोल्यूशन होता है फंड्स का, वर्टिकल या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल डेवोल्यूशन कैसे, सेंटर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इनका हो गया, ठीक है। अब वर्टिकल इसमें इट हैज रिकमेंडेड मेंटेनिंग द वर्टिकल डेवोल्यूशन एट 41%, और 41% का मतलब क्या है, अपना जितना शेयर है उसमें से 41% यूनियन जो है स्टेट्स को देगा, स्टेट्स और सारी स्टेट्स का मिला के अपने शेयर में से, लगभग सेम है पिछली बार की तरह ही, पिछले रिकमेंड इट इज द सेम लेवल, 42% इज रिकमेंडेड बाय 14 फाइनेंशियल मिशन, और 1% सेम पिछली बार की तरह सेम ही था, बट अब जम्मू एंड कश्मीर क्या हो गया, यूनियन टेरिटरी बन गया, तो उस स्टेट का जो 1% है उन्होंने कम कर दिया और यूनियन टेरिटरी को दे दिया, ठीक है। तो रिकमेंडेशन पिछली बार की तरह सेम है। हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन में क्या है, अब ये सब उसके फीचर्स हैं कि डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस और इनकम के लिए, मतलब डायरेक्ट उनकी इनकम एज एन इनकम स्टेट की सीधा 45% उनको दिया जाए एज रिक्वायर्ड बाय द स्टेट, और पॉपुलेशन के बेसिस पे, टैक्स और फिस्कल एफर्ट्स के बेसिस पे, ये सारी
कैटेगरीज हैं कि किस बेसिस पे, अगर ये क्वेश्चन होता है कि किस बेसिस पे हॉरिजॉन्टल डेविलेशन होता है, हॉरिजॉन्टल डेविलेशन का मतलब अमंग द स्टेट्स, ठीक है, तो ये सारे बेसिस है। अब दूसरा क्या, अब ग्रांट्स, ग्रांट्स की बात हुई थी, ग्रांटिंग एड हो गया। अब दूसरा क्या, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स टू स्टेट। अब ये कहना है कि पहले जब हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन हो गया, उसके बाद जो डेफिसिट आ रहा है, तो उसके लिए भी क्या क्या, इट हैज रिकमेंडेड पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स अमाउंटिंग टू अबाउट 3 ट्रिलियन, यानी रुपीज में बात हो रही। तो रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि जो डेट स्टेट लेगा ने, उसकी इनकम में और रेवेन्यू में जो डिफरेंस होगा, जैसे सेम सेंट्रल और स्टेट का वही सेम चीज है, उसके लिए भी फाइनेंस करेगा सेंटर, तो उसके लिए रिकमेंड किया गया 3 ट्रिलियन। अब पहले क्या था, काफी सारी स्टेट्स थी इसके लिए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स में, जो कई स्टेट्स ने इम्प्रूव किया है, तो जो 17 थी जिनको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट देनी थी, फिर फाइनली बाद में क्या हो जाएंगी, 6 स्टेट्स, ठीक है। तो ये भी देखो लॉन्ग टर्म पीरियड में क्या है, इम्प्रूव तो करना है हमें फाइनेंसेस, और उनको भी स्टेट्स को भी ये हमें करना है कि इम्प्रूव करना है, ताकि स्टेट्स भी अपनी फिजिकल डेफिसिट को खुद ही सपोर्ट कर पाए। और दूसरा बाद में फिर और ऐड हुआ था परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव एंड ग्रांट्स टू द स्टेट्स। अब जो ग्रांट्स हैं, ठीक है, अब ये ग्रांट और डेवोल्यूशन दो अलग अलग चीज हैं। डेवोल्यूशन जो है उनका एक राइट की तरह है कि कितना परसेंटेज उनको अपने सेंटर के पूल में से शेयर उनको देना ही है स्टेट। ग्रांट्स जो है वो स्टेट की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होती है, कोई स्टेट अच्छा कर रही है तो उसको कम मिलेगी, तो थोड़ा जिसको रिक्वायरमेंट्स है उसको ज्यादा मिलेगी। तो ग्रांट्स रिवॉल्व अराउंड 4 मेन थिंग्स, पहला सोशल सेक्टर हो गया, हेल्थ एंड एजुकेशन, रूरल सेक्टर एग्रीकल्चर और रूरल रोड्स के लिए, गवर्नेंस के लिए जैसे भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चल रहा है, एस्पिरेशनल पावर प्रोग्राम चल रहा है, तो उनके लिए ग्रांट दिए जाएंगे, और एडिशनली परफॉर्मेंस बेस पे भी दिया गया है, ताकि स्टेट्स को मोटिवेट किया जा सके बेटर परफॉर्मेंस। ठीक, तो ये अब ये तो स्टेट्स की बात होगी कि अब स्टेट्स को इतना दिया गया, ठीक है। अब डेवोल्यूशन और ग्रांट्स के बाद जितना रिसीट्स है उसके पास, सेंट्रल के पास कितना बचता है, 34%, ठीक है। 41% डायरेक्टली स्टेट्स को दे दिया गया, फिर उसके बाद ग्रांट्स दे दिया गया, जितना भी रेवेन्यू है उसका 34% बोला गया कि सेंट्रल के पास होगा, ये रिकमेंडेशन है, लीविंग एडिक्वेट फिस्कल स्पेस टू मीट सोर्सेस। अब उसके बाद देखो और क्या हो गया, स्टेट गवर्नमेंट को तो दिया है और ग्रांट्स को लोकल गवर्नमेंट्स भी दे रहा है, वो किस लिए, एक बीच में एक प्रोग्राम आया था या अभी चल रहा, मिलियन प्लस सिटीज, ठीक है। तो उसमें क्या है कि कुछ सिटीज को, जो मिलियन में पॉपुलेशन 10 लाख उससे ज्यादा जिनकी पॉपुलेशन है, 10 लाख की पॉपुलेशन है, उनके लिए ग्रांट्स दिए गए थे ताकि अपना एयर क्वालिटी और ये सब इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो इस फंड का नाम क्या है, मिलियन प्लस सिटीज चैलेंज फंड, और ये क्या है, ये डायरेक्ट ग्रांट है सेंटर की तरफ से इन सिटीज को, ठीक है। तो एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इस पेज में से देखो, आ जाते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये सारी चीजों पर। जीडीपी होता क्या है, वैसे जब हम डेफिनेशन बोलते हैं, डेफिनेशन जीडीपी की सिंपल ये होती है कि द सम टोटल ऑफ या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री और स्टेट, ठीक है। किसी लिमिटेड बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है ईदर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी प्रोडक्शन, अगर हमारे ही सिटीजन अगर बाहर कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो जीडीपी का हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। हम सिर्फ वो कैलकुलेट कर रहे हैं जो कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। कंट्री में प्रोड्यूस करने की वाली चीजों को ही हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी, ताकि हम मेजर कर सके कि हम इंडिविजुअल को बिना किसी पर डिपेंड किए, जब ग्रॉस नेशनल इनकम की बात करेंगे तो बाहर के फंड्स भी इंक्लूड होते हैं। तो जीडीपी में क्या है कि बिना किसी पे डिपेंड किए हम जो ग्रोथ कर रहे हैं वो कितनी, तो जीडीपी कैलकुलेट करने का विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री यही मकसद होता है, ताकि हम एक्चुअल ग्रोथ अपनी
प्रेडिक्ट कर पाए और मेजर कर पाए कि हम बिना किसी की हेल्प के या बिना किसी फॉरेन कंट्री के इन्वॉल्वमेंट के कैसे हम प्रोडक्शंस कर रहे हैं विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो जीडीपी सिंपल डेफिनेशन क्या, मनी वैल्यू ऑफ एवरीथिंग प्रोड्यूस विद इन योर कंट्री। अब फिर एक तो जीडीपी डोमेस्टिक हो गया, अब नेशनल में क्या है, नेशनल में हम नेशनल इसे लगा देते हैं ताकि जो हमारी रेसिडेंट्स की, जो हमारे नेशनल रेसिडेंट्स हैं सारे सिटीजन्स के लिए कितना काम आ रहे हैं, सिर्फ यहाँ तो प्रोडक्शन हो गया जीडीपी का प्लस बाहर से कितना कमा रहे हैं। ठीक है, तो बाहर से कमाएंगे तो बाहर वाले भी आएंगे वो भी कमा के जाएंगे हमारे पास से। ठीक है, तो इसमें जीडीपी में ये चीज ऐड कर देंगे क्या कि जो हमारे रेसिडेंट्स हैं वो फॉरेन कंट्रीज में कितना कमा रहे हैं माइनस जो हम फॉरेन रेसिडेंट्स को यहाँ से दे रहे हैं। ठीक है, तो वो जो टोटल इनकम होगी वो जीडीपी में ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब कभी जीडीपी में मेन कंफ्यूजन ये होता है कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन जब अलग अलग होते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है मेथड्स। अब दो तीन तीन बेसिक मेथड होते हैं वैसे, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और फिर आता है वैल्यू मेथड, एडेड मेथड, ग्रॉस वैल्यू एडेड, या फिर उसे फैक्टर कॉस्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको देखेंगे पहले एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है, एक्सपेंडिचर से कैसे कि अब हमें कैलकुलेट करना है कि हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किस लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि कंजम्पशन हो चुके हो सके तो लोग कितना खर्च कर रहे हैं इस पर। ठीक है, चीज़ों पर अगर वो हम कैलकुलेट कर लें तो रफली हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारी जीडीपी प्रोडक्शन कितना होगा, क्योंकि प्रोडक्शन क्यों करेंगे, लोग खरीदेंगे इसीलिए प्रोडक्शन करेंगे। अब खरीदेंगे इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर करेगी तो जरूरी नहीं कि वो सेल करने के लिए करेगी। ठीक है, बट किसी न किसी पर्पस के लिए, पब्लिक गुड्स और सर्विसेज के लिए करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो होगा तो वो भी एक्सपेंडिचर में इन्वॉल्व होगा। तो जब हम एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो पहली चीज कंज्यूमर यानी सिटीजन, नॉर्मल सिटीजन क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे उस पर जो एक्सपेंडिचर करेंगे। दूसरा ये तो खरीदने में, दूसरी चीज क्या करते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट किसमें करेंगे, इन्वेस्टर स्पेंडिंग ऑन बिजनेस कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स की बात हो रही है, कैपिटल गुड्स की बात नहीं हो रही क्योंकि वो एक एसेट क्रिएट करता है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट की जो भी स्पेंडिंग होगी वो क्या है, अब जैसे कंज्यूमर स्पेंडिंग है उसमें से जो भी टैक्सेस माइनस हो जाते हैं तो वो पैसा जो है गवर्नमेंट के पास जाएगा, वो स्पेंड होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिला के ये एक्सपेंडिचर हो गया। चौथा एक्सपेंडिचर क्या होगा कि हम जो चीजें एक तरह से देखा जाए वहां से फॉरन से खरीदना, कैसे, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, अगर हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा है इम्पोर्ट कम है, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव एडिशन होगा। बट अगर हमारे इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है तो मतलब हमारी जीडीपी में क्या है, गलती से हम दूसरे के प्रोडक्ट को इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसलिए हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं, सम टोटल ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो ये एक एक्सपेंडिचर में आता होगा। इनकम मेथड में क्या है, जितना लोग कमा रहे, सिंपल मेथड है, जिसकी सैलरी आ रही है गवर्नमेंट के पास, टैक्सेस आ रहे हैं, ठीक है, कंपनी के पास जितना प्रॉफिट आ रहा है और ऑल टैक्सेस और प्लस जो सब्सिडी, सब्सिडी भी एक तरह से पब्लिक की इनकम है। ठीक है, तो इसलिए इनकम मैटर में क्या करते हैं, सिंपल सबकी इनकम कैलकुलेट करते हैं, सब्सिडीज गवर्नमेंट वाले से माइनस कर देते हैं क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्सेस में से किसी और के इनकम का पार्ट हुआ तो डबल कैलकुलेशन हो जाएगा, इसलिए सब्सिडीज को माइनस करते हैं। बट ये मेथड हम जनरली यूज नहीं करते, इंडिया की जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एक्चुअली दो मेथड हम यूज कर रहे होते हैं, एक तो एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट या फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड भी बोलते हैं। ठीक, देखो एक्सपेंडिचर से एक एग्जाम्पल है, कुछ याद नहीं करना है कि ऐसे एक लिस्ट बनती है, जब जीडीपी कैलकुलेशन करते हैं तो उसका जब डेटा रिलीज करती है गवर्नमेंट, ऐसे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक, अब ये किस बेसिस पे, अगर जीडीपी कैलकुलेशन हम
इस बेसिस पे कर रहे हैं कि पिछले बार से कितनी ग्रोथ हुई है। तो पिछली बार का क्वार्टर सेम क्वार्टर देखा जाएगा, फिर लास्ट ईयर का और एज कम्पेयर टू द क्वार्टर दिस ईयर। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया, और इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने कहा था फिक्स जब उसमें था ना डेटा, इन्वेस्टमेंट किसमें, कैपिटल गुड्स में, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक्स। स्टॉक्स का मतलब क्या है यहाँ पे, स्टॉक्स स्टॉक मार्केट की बात नहीं हो रही है, स्टॉक्स मतलब इन्वेंट्री, मशीनरी आपकी कितनी बड़ी है घटी है, आपके पास गुड्स जो है फैक्ट्री में उसकी इन्वेंट्री जो जरूरत होती है प्रोडक्शन के लिए उसकी इन्वेंट्री ना। अब फाइनल गुड्स तो हमने कैलकुलेट कर लिया फाइनल गुड्स पे कितना एक्सपेंडिचर, बट हमने जो और चीजें खरीद के रखी अपने स्टॉक में तो वो इसमें आता है, चेंज इन स्टॉक्स, वैल्यूएबल्स वो भी खरीदी चीजें, गोल्ड वोल्ड खरीद के रख लिया, एक्सपोर्ट्स और माइनस इम्पोर्ट, और ये तो एरर सब में माइनस करते हैं डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, तो जो फॉर्मूला था GCIF वाला वही सेम फॉर्मूला इस फॉर्म में ऐसे कैलकुलेशन में दिखाया जाता है। ठीक, तो इंडिया का क्या है, एट फैक्टर कॉस्ट और एक्सपेंडिचर, दो तरीके से हम मेजर करते हैं। और आते हैं फैक्टर कॉस्ट मेथड, उसमें होता क्या है ग्रॉस वैल्यू एडिंग। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो किसी ने एग्रीकल्चर से शुरू कर दिया एकदम बेसिक प्राइमरी सेक्टर से, कि किसी ने पोटैटो फार्मर है उसने 20 रुपए किलो सेल किया इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को। ठीक है, तो 20 रुपीज का हो गया, उसने फिर उससे बनाए चिप्स। ठीक है, तो उसमें उसने वैल्यू एडिशन कर दिया, 1 kg मान लो 100 कर दिया। तो अगर हम यहाँ से 20 तो फार्मर का कैलकुलेट कर लें, प्लस 100 उसने जो सेल किया मान आगे की तरफ, प्लस टैक्सेस लग के कंज्यूमर ने कितना दे दिया 120, तो ये तीनों को ऐड कर देंगे तो दो कई चीजें कई बार कैलकुलेट हो जाएंगी। जैसे कि जो 100 था जिसमें 100 में उसने सेल किया, उसमें 20 रुपये उसका भी इंक्लूडेड था जो उसने पे किया फार्मर को। ठीक है, तो इसलिए इस डबल कैलकुलेशन से बचने के लिए हम वो 20 रुपये ऐड नहीं करते हैं, हम क्या ऐड करते हैं सिर्फ वैल्यू एडिशन हर स्टेज पे, फाइनल कंजम्पशन में कितना वैल्यू ऐड हुआ है उस वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट करेंगे हर सेक्टर में। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू एडिशन मेथड, ग्रॉस वैल्यू एडेड या फिर फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्यों, क्योंकि जो वैल्यू एडिशन हुआ है किस बेसिस पे हुआ है, फैक्टर कॉस्ट यानी कि जो लेबरस लगे हैं उसका पैसा लगाया हमने बीच में, जो मशीनरी बीच में लगी है उसका पैसा लगाया, प्लस जो कंपनी को प्रॉफिट चाहिए होगा। ठीक है, दो तीन चीजें इन्वॉल्व हैं, तो वो सारा क्या है, फैक्टर कॉस्ट होता है। ठीक है, तो वही चीज रिफ्लेक्ट होता है दूसरे टर्म में, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक, तो ये ग्रॉस वैल्यू एडेड वाला मेथड होता है, द फैक्टर कॉस्ट। अब इसमें देखो इतने सेक्टर्स हैं, आठ फॉलोइंग एट इंडस्ट्री, पहली प्राइमरी सेक्टर्स में से क्या क्या हो गया, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब इसमें से ऐसे अलग से नहीं दिख रहा होगा कि सर्विस सेक्टर लिखा हुआ, सर्विस सेक्टर बहुत सारे हैं इसमें दिख रहे हैं, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, फाइनेंशियल, ठीक है, प्रोफेशनल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विसेज, ये सर्विसेज सेक्टर, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और ये एग्रीकल्चर। ठीक है, तीन बेसिक्स, जब भी जीडीपी कैलकुलेशन होती है तो हम तीन मेजर सेक्टर देखते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन होता है। हिस्टोरिकली हम देखते आए हैं कि किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहा है हिस्टोरिकली, मतलब लास्ट 20-30 ईयर्स में, 40 ईयर्स में किसका सबसे ज्यादा सर्विसेज सेक्टर का रहा है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और थर्ड पे एग्रीकल्चर आएगा। ठीक है, ये स्टेटस कुछ साल पहले भी था, करेंट डेटा इस साल के डेटा के अकॉर्डिंगली सेम स्टेटस है। देखो वो मेथड हमने देखा था एक्सपेंडिचर मेथड में, ऐसे ही यहाँ पे एड फैक्टर कॉस्ट से क्रॉस वैल्यू एडेड, सारे सेक्टर्स इंक्लूड किए गए हैं, एग्रीकल्चर एंड फिशिंग, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इन सब का एडिशन कंपैरिजन, और ये करिस्पॉन्डिंग एवरेज, सबके एवरेज निकाल के ग्रोथ। ठीक, ये डेटा को याद नहीं करना, ये डेटा हो सकता है लास्ट टू लास्ट ईयर का भी हो,
6.9% ग्रोथ, ऐसे याद नहीं करना कितनी चल रही है, ठीक है। अब ये तो जीडीपी की बात हो गई, ये जीडीपी जो हमने यहाँ प्रोडक्शन किया है अब विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब आते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम पे। ग्रॉस नेशनल इनकम टोटल इनकम अर्न बाय ए कंट्रीज पीपल एंड बिजनेसेस नो मैटर वेयर इट वॉज अर्न। तो इसमें बाउंड्री की कोई लिमिटेशन नहीं। अगर कोई हमारा नेशनल, तो जरूरी ये है कि वो इंडिया का सिटीजन तो वो अगर फॉरेन में कोई जॉब करता है उसे पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, वो इंक्लूड होगा। वो इंडियन बैंक्स हैं, ठीक है, फॉरेन ब्रांचेज हैं उनकी, वहाँ से जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, इंडियन कंपनीज हैं वहाँ से जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वो किसमें इंक्लूड होगा? हमारी ग्रॉस नेशनल इनकम। सिमिलरली फॉरेन नेशनल्स हैं जो यहाँ से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, यहाँ से सैलरीज ले जा रहे हैं, वो माइनस किया जाएगा हमारी नेशनल इनकम से, ठीक है। तो जीडीपी में से इनका सम टोटल जब ऐड कर देते हैं तो वो ग्रॉस नेशनल इनकम हो जाता है, इसीलिए कहते हैं नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट इनकम मतलब जो हमने अर्न की माइनस जो हमने दी, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे जीएनआई और जीडीपी, जीडीपी और इनमें बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं ओपन इकोनॉमी में और क्लोज इकोनॉमी। तो कतर में क्या है, ज्यादातर ऑयल के बेसिस पे उनकी इकोनॉमी है, ठीक, तो फॉरेन कंपनीज वहाँ पे ऑयल के रिग्स चलाती है, कतर के जो जो भी वहाँ के प्रिंसेस हैं वो सेल करते हैं लैंड ऑयल अपने जो भी रेंट पे देते हैं, फॉरेन कंपनीज वो रिफाइनिंग करती है, ऑयल बेचती है। तो ज्यादातर उनका जो जीडीपी है उसका प्रॉफिट फॉरेन कंपनीज ले जा रही है, ठीक है। तो उसमें क्या है, द कंट्री रिसीव्स अ लॉट ऑफ इनकम फ्रॉम फॉरेन ऑयल एंड गैस कंपनीज। तो ये इनकम, इसलिए उसका ग्रॉस नेशनल इनकम जो है वो जीडीपी से ज्यादा है। प्रोडक्शन क्योंकि ज्यादातर क्या आ रहा है उसमें फॉरेन एसेट, वही आ रहा है फॉरेन करेंसी सेल कर रहा है सारी कंट्रीज को, उसके एक्सपोर्ट ही ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो जो नेट फैक्टर इनकम जो बताया गया था, नेट फैक्टर इनकम कतर का काफी ज्यादा है। सिमिलरली नॉर्वे है, नॉर्वे में क्या है, उन्होंने अपना वेल्थ जो हिस्टोरिकल वेल्थ वो फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रखी है बैंक्स में, उसका इंटरेस्ट पे ही कंपनी उनका जो कंट्री है ना चल रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट इनकम पे और उसके वेल्थ फंड्स के बेसिस पे नॉर्वे जो है एक रिच कंट्री में काउंट होता है। तो उसका भी जीएनआई क्या है वो ज्यादा है। अपने केस में हमने देखा है कि हमारे एक्सपोर्ट और ओवरऑल जो देखा गया है, हमारे जो एक्सपोर्ट है वो इम्पोर्ट से कम ही रहते हैं एवरेज में, तो जब ऐड होंगे ओवरऑल तो हमारा जो जीएनआई है पर कैपिटा हमेशा जीडीपी से कम ही आता है, ठीक। तो इंडिया का भी आता है और भी कंट्रीज है उनका। अब ये तो जीडीपी और जीएनपी नेशनल इनकम होगा, ठीक है। अब ये फैक्ट, ये नाम आते हैं नॉमिनल और रियल। नॉमिनल में क्या होता है कि जीडीपी है करंट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जो करंटली जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसकी जो भी जीडीपी होगी उसके बेसिस पे वो नॉमिनल जीडीपी हो जाएगा। रियल में इन्फ्लेशन जो भी है माइनस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे, रियल जीडीपी में बेस ईयर होता है, ठीक है। अभी क्या बेस ईयर लेते हैं 2011-12, उस टाइम का जो इन्फ्लेशन था तब से बेसिस पे जो अभी इंफ्लेटेड प्राइसेस है तो उन प्राइसेस को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आते हैं, रियल जीडीपी का प्राइस, ठीक है। अब नॉमिनल, बट हम जब देखते हैं कि जीडीपी अभी जो दिखाया जाता है या इकोनॉमिक आउटलुक जो आईएमएफ की है, जब हमारा जीडीपी 5th नंबर पे बताती है, 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी, तो वो नॉमिनल जीडीपी बताती है रियल के लिए चीज याद रखो। नॉमिनल जीडीपी के बेसिस पे वी आर एट, कंट्री नॉमिनल ही कैलकुलेट करेगी क्योंकि बेस ईयर और ये सारी चीजें तो हमारे ऊपर है, सब अपना अलग अलग बेस ईयर और इन्फ्लेशन वैल्यूज और अलग अलग रखेंगे, इंडेक्सेस अलग बना लेंगे। तो करंट मार्केट प्राइसेस के बेसिस पे जो जीडीपी होता है जैसे कि हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, वो एक्चुअल जीडीपी जो मार्केट में जब हम बताते हैं, जब न्यूज में आता है
वी आर एट द पोजिशन इन द वर्ल्ड, तो इसमें जीडीपी हो रही है। रियल जीडीपी इज नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन माइनस कर देते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं, डिफ्लेटर क्या होता है कि एक वैल्यू होती है 1 प्लस जो भी बेस ईयर से जितना प्राइस चेंज हुआ है उसके परसेंटेज को ऐड कर दो। ओके, अब मान लो कि बेस ईयर से अभी जो करंट ईयर में इन्फ्लेशन है 1%, तो 1% का मतलब यह है कि जो अभी करंट जीडीपी है, मान लो 1 लाख रुपए है, तो उसे हम डिवाइड किससे करेंगे, 1 प्लस वो इन्फ्लेशन 1% है, 1% का मतलब 1/100, 1/100 मतलब 0.01, ठीक है, तो 1 लाख अपॉन 1.01। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू जब भी 1 से ऊपर होती है तो इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर हमेशा डिवाइड करने के बाद कम हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी पॉजिटिव इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन जब भी बढ़ेगा तब तक क्या होगा, जीडीपी डिफ्लेटर क्या करेगा, हमारी जीडीपी को घटाएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्या, डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर। उसकी मदद से हम क्या मिलता है, रियल जीडीपी। अब जीडीपी दूसरी चीज, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, जब ये हम देख रहे हैं मार्केट प्राइस के नॉमिनल जीडीपी, इसमें क्या है, क्या इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड, सब्सिडीज इससे एक्सक्लूडेड होती है जीडीपी में, ठीक है। सब्सिडीज क्योंकि डबल काउंटिंग, मेनली डबल काउंटिंग की वजह से, क्योंकि क्या एक्सपेंडिचर मेथड भी अगर हम यूज कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर जो टैक्सेस हैं उतना ही वो स्पेंड करेंगे, ठीक है। सब्सिडीज क्या, किसी की इनकम का पार्ट होते हैं सब्सिडीज, आप जो तो किसी उनकी इनकम का पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उनकी इनकम में उसमें भी कैलकुलेट करेंगे हम, उनके एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट भी कैलकुलेट करेंगे, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, दो बार काउंटिंग, इसलिए सब्सिडीज को हम एक्सक्लूड करते हैं, ठीक। अब दूसरा है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एक्सक्लूड्स टैक्सेस एंड इंक्लूड सब्सिडीज प्रोवाइडिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन इकोनॉमी। अब फैक्टर कॉस्ट की जब हम बात करते हैं, फैक्टर कॉस्ट यानी कि जब ग्रॉस वैल्यू एडिट की बात की थी तब क्या होता, हर स्टेज पे हम देख रहे हैं कि वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है, ठीक है। जो प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचा उसमें वैल्यू एडिशन कितना हुआ, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है। तो टैक्सेस जो है वो क्या है, उनकी वैल्यू वो बाद में आएगी, अगर हम टैक्सेस भी इसमें इंक्लूड करते रहेंगे हर स्टेज पे, ठीक है। फिर जब हम गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस, तो ये टैक्सेस प्लस जब गवर्नमेंट करेगी तो फिर डबल काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये कंफ्यूजन, ये चीज समझना है तो याद करने वाली है, जब हम मार्केट प्राइस की कैलकुलेशन करते हैं तो सब्सिडी एक्सक्लूड करते हैं, टैक्स इंक्लूड करते हैं, जब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट लिखते हैं तब टैक्सेस को एक्सक्लूड करते हैं और सब्सिडी को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस रहेगा, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, रीजन देखो, द फैक्टर कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड द टैक्स दैट आर पेड टू द गवर्नमेंट सेल्स, टैक्सेस आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। टैक्सेस कब लगते हैं, जाके जब कंजम्पशन होता है गुड्स का, जब खरीदते हैं, तो इसलिए डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट की वो पार्ट नहीं होता है। सब्सिडीज लेकिन क्या है, प्रोडक्शन में जब सब्सिडी दी गई है तो वो फैक्टर कॉस्ट को कम कर सकता है, अगर किसी इंडस्ट्री को हमने सब्सिडी दिया है या फिर फार्मर को सब्सिडी दी गई है तो वो फैक्टर कॉस्ट यानी सब्सिडी अगर आपने दी तो हो सकता है आलू की प्राइस कम हो जाए, या अगर इंडस्ट्री को सब्सिडी आपने दी है तो बीच में जब वो प्रोडक्शन करता है तो उसकी कॉस्ट कम हो जाए, इसलिए सब्सिडीज को इंक्लूड करते हैं जब फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं और टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करते। अब ये सब होता क्या है कि जो नॉर्मली जब जीडीपी कैलकुलेशंस होते हैं तो लॉन्ग टर्म की बात होती है, जीडीपी कैलकुलेशंस गवर्नमेंट करती है तो लोग शक शक भी करते हैं कि बेस ईयर आप ये यूज कर रहे हैं ना, जो है तो गवर्नमेंट कहती है कि अभी तो ये जीडीपी के एक्चुअल नंबर्स जो हैं वो 2-3 साल में सही से आएंगे, ठीक है। अब इन्वेस्टर्स क्या है, जो भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं जीडीपी के बेसिस पे उन्हें इन्वेस्ट करना होता है,
सही पिक्चर अगर जीडीपी का नहीं मिलेगा तो उनको इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। सही पिक्चर जीडीपी का नहीं तो इन्वेस्टमेंट्स भी गलत हो सकते हैं। इसलिए एक स्टैंडर्ड एंड पुअर्स बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, इसका परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है। तो वो क्या रियल टाइम में हर मंथली सर्वेस करके जो एक्चुअल पिक्चर है इंडस्ट्री का वो दिखाती है। तो गवर्नमेंट भी सजेस्ट करती है कि अगर आपको तो इन्वेस्टमेंट करना है तो जीडीपी के नंबर्स इनके 2-3 साल में आएंगे, तो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है उसके बेसिस पे भी आप, उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे आप कर सकते हैं। वो थोड़ा क्लियर पिक्चर दिखाता है। तो है क्या, लेकिन ये इट इज सर्वे बेस्ड मेजर दैट आस्क द रिस्पोंडेंट्स अबाउट चेंजेस इन देयर परसेप्शन अबाउट की बिजनेस वेरिएबल्स। और क्या है, मार्केट की नब्ज पकड़ता है। कभी भी हम मार्केट समझते हैं तो मार्केट में क्या है, स्पेकुलेशन चलती है, पर मार्केट पे कितना फेथ है कितना फेथ नहीं है लोगों का, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है उसके ही सर्विस सर्वे करता है। तो क्या ये प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन अबाउट करेंट एंड फ्यूचर बिजनेस कंडीशंस टू कंपनी डिसीजन मेकर्स। करेंट का बताएगा अभी क्या जीडीपी का चल रहा है, मार्केट फ्यूचर में कैसी होगी, एक्सपैंड करेगी या कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एक्सपैंड करेगी मतलब ग्रोथ होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगी मतलब लॉसेस होंगे। ठीक है, तो इसका क्या है, अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज सेक्टर का अलग निकालते हैं और कॉम्पोजिट दोनों का मिला के। अब इसमें होता क्या, वैल्यूज क्या 0 से 100 होती है, 50 से ऊपर जाए मतलब इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही है ग्रो कर रही है, अगर 50 से नीचे जा रही है तो इकोनॉमी जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो फायदा क्या है इसका, यही कि हर मंथ रिलीज होता है तो इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस के लिए ज्यादातर परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यूज करते हैं। S&P ग्लोबल की एक जो सब्सिडरी है IHS मार्क बोलते हैं, तो ये इसको रिलीज करती है। ठीक है, देखो हम बस एक डेटा कैसे देख लेते हैं कि हम जब दिखा रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी का क्या है, वैल्यू करंट वैल्यू या 5वें नंबर पे है जीडीपी इन नंबर्स के टर्म में। ठीक है, बट टॉप 10 में किसी से भी पर कैपिटा इनकम में बहुत बहुत दूर है। इंडिया 5वें नंबर पे 3.9 ट्रिलियन डॉलर्स, 3.942 थाउजेंड बिलियन डॉलर्स, मतलब 3.942 ट्रिलियन डॉलर्स की बात है। US, चाइना, जर्मनी, जापान और इंडिया यूके को सरपास कर चुके हैं, बट पर कैपिटल इनकम में बहुत दूर है इंडिया से। ये थे, अब इसमें से कई सारे कंफ्यूजन्स होंगे तो अभी क्वेश्चंस बताओ फिर सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और दूसरे क्वेश्चंस। बोल सर, जीडीपी कैलकुलेशन में जो डिस्क्रिपेंसी देते हैं, वो डिस्क्रिपेंसी कहाँ से पता चलता है कि इतनी होगी या ज्यादा होगी? डिस्क्रिपेंसी, वो जैसे ऑर्गेनाइजेशन है NSSO CSO, ये क्या करते हैं, जैसे पिछले साल का डेटा क्या है, डेटा आता रहता है, इम्प्रूव होता रहता है। ठीक है, तो ओवर द ईयर्स क्या होता है, वो कंपैरिजन करते हैं कि पिछली बार कितना था इस बार कितना है, वो डेटा का होता है, ऐसे नहीं कि डिस्क्रिपेंसी कहीं से, वो डेटा की बात है कि इतना डेटा आया था पिछली बार, थोड़ी सी इसमें ज्यादा एवरेज से ज्यादा दिखा था, फिर कम हो गया था, कुछ माइनस हो गया था, कुछ एडिशन हो गया, तो डिस्क्रिपेंसीज उसी के अपने डेटा के बेसिस पे करते हैं। पिछली बार एरर कितनी थी, ठीक है, पिछली बार तो एवरेज एरर, इस बार कैलकुलेशन में इस बार ऐसे, तो डिस्क्रिपेंसी वो फाइनल फाइनली ऐड करते हैं बाद में, वो तक है क्योंकि जीडीपी कैलकुलेशन चलती रहती है ना, फाइनल जो रिलीज करते हैं 2-3 साल में, जब भी आज उन्होंने डेटा रिलीज किया, ठीक है, फाइनल फिगर वो 2-3 साल में रिलीज करेंगे जो एग्जैक्ट जो हाँ फाइनल हो जाएगा, तो तब तक तो वो फिर डिस्क्रिपेंसी ऐड करके फिर रिलीज करते। ठीक है, तो कुछ ऐसा फिक्स नहीं है उसका परसेंटेज कितना होगा, थोड़ा बहुत होता ही है। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है, कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसी हमेशा रहती है। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन?
मैं एक बार दोबारा ये पीडीएफ रीड करूंगी, देन आई विल आस्क यू। ओके चलो क्वेश्चंस क्वेश्चंस करते हैं, उसमें और कंफ्यूजन्स क्लियर होंगे। अब देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई विच आर द फॉलोइंग। वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी, इनकम जनरेटेड बाई फॉरेनर्स इन अ कंट्री इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। जीडीपी की बात हो रही है, फॉरेनर्स की हम इनकम जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, नहीं, पर इन अ कंट्री जनरेटेड बोल रहे बाई हो। फॉरेनर्स इन अ कंट्री, कंट्री की बात हो रही है ना, तो जो भी बॉर्डर्स में जो भी, यानी कि जब एफडीआई होता है तो एफडीआई को हम जीडीपी में गिनते हैं, क्लियर सर, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ऐड करेंगे ना सर, हाँ इंक्लूड। तो सही है स्टेटमेंट, सर वेल कैलकुलेटिंग इनकम जनरेटेड बाय yes, फॉरेनर्स इन अ कंट्री। इसका एग्जांपल ये डोमिनोज वगैरह हो जाएगा ना, कि ये सब व्हाट एवर वी आर अर्निंग फ्रॉम देम तो वी विल हाँ ऐड इन जीडीपी। बिल्कुल। नेक्स्ट, वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी, इनकम जनरेटेड बाय नेशनल्स ऑफ अ कंट्री आउटसाइड द कंट्री इज टेकन इनटू अकाउंट। जीडीपी में हमारे बाहर बॉर्डर की बात होती है, जीडीपी में हमेशा इनसाइड द कंट्री, तो अपने नेशनल अगर बाहर भी कुछ क्रिएट कर रहे हैं, बाहर अगर हमारी बैंक की ब्रांचेस है, तो वो जो इनकम है वो जीडीपी में काउंट इंक्लूड नहीं नहीं होगी। होगी। जीएनपी, अब जीएनपी की बात हो रही है, इनकम जनरेटेड बाय फॉरेनर्स इन अ कंट्री इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। आउटसाइड इनकम जनरेटेड बाय नेशनल। जीएनपी, ठीक है, आउटसाइड बाय फॉरेनर्स इन अ कंट्री नहीं। अब आगे, इनकम जनरेटेड बाय नेशनल ऑफ अ कंट्री आउटसाइड द कंट्री इज टेकन टू अकाउंट। जीएनपी में ये तो देखो फोर्ड वाला तो क्लियर है, ठीक है, जो हमारे नेशनल्स हैं वो जो आउटसाइड द कंट्री प्रोड्यूस करेंगे या अर्न करेंगे वो जीएनपी का पार्ट होगा, नेशनल प्रोडक्शन की बात हो रही है, ठीक है, इसे नेशनल इनकम, उनकी जिसका मनी वैल्यू को नेशनल इनकम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अब थ्री वाले में कंफ्यूजन, इनकम जनरेटेड बाय फॉरेनर्स, जैसे अभी हमने कि जीडीपी में तो हम उसे कैलकुलेट कर काउंट करते हैं, पर जीएनपी में नहीं करते, उसे माइनस करते हैं। माइनस करने का मतलब क्या है कि हम उसे काउंट नहीं कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन, ये यहाँ कंफ्यूजन कर रहा होगा ना, इनकम जनरेटेड बाय फॉरेनर्स इन द कंट्री इज टेकिंग इनटू कंसीडरेशन, उसे माइनस करते हैं, ठीक। सर क्योंकि ऐसा रहता है ना, उसमें केवल हम जो नेशनल्स हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं, हमें बस उनकी इनकम चाहिए, हाँ मैं बस मुख्य, हाँ इसीलिए हम फॉरनर्स की माइनस करेंगे। तो यहाँ पे बस इस स्टेटमेंट की वजह से कंफ्यूजन हो सकता है कि टेकन इनटू कंसीडरेशन, अब स्टेटमेंट में देखेंगे कि लिखा होगा तो जीडीपी प्लस इनकम जनरेटेड बाय नेशनल्स माइनस इनकम जनरेटेड बाय फॉरेन नेशनल्स, तो माइनस में, तो स्टेटमेंट में तो दिख रहा होगा इक्वेशन में, हाँ तो इनटू, तो ये मन करेगा कि इस टेकन इनटू कंसिडरेशन, ओके, बट कंस, ये पर वो एक्चुअल में माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट होने का मतलब इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। कंसिडरेशन। ओके ठीक है, सो मैंने डेटा अभी करंट अपडेटेड इसलिए ऐड कर दिया, सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा गया था काफी पहले, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ जीडीपी, ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर उस समय की क्या थी, तब भी सर्विसेज ही होंगी, ओके सर्विस। तब तो मुझे लगता है इसमें डिक्रीजिंग सेक्टर ऑर्डर या पूछा है ना, उसमें क्या था, इंडस्ट्री। अभी देखो इस समय क्या है, एग्रीकल्चर एग्री सेक्टर का 17.59, ठीक है, इंडस्ट्री का है 27 और सर्विसेज का है 54, क्योंकि एक एवरेज
पिछले कई साल से 48, 49, 50 ऐसे चलता चला रहा है, ठीक है। बट उस टाइम क्या था, जो सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसका था, इंडस्ट्री का, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर, फिर सर्विसेज। हमारा क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, हम एग्रीकल्चर से सीधा सर्विसेज में आ गए, ठीक है। सर्विसेज हमेशा से काफी टाइम से प्रोमिनेंट रही, ठीक। तो डिक्रीजिंग, इसमें क्या पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर सिंपल, एक सर्विस हो गया, फिर इंडस्ट्री हो गया, फिर एग्रीकल्चर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 2007 की बात हो रही है, 2007 में भी, हाँ, 1987 के अराउंड ऐसा था कि इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर थोड़ा आगे था, पर 2007 में सर्विस ऊपर हो ही गया था 90s के बाद से, ठीक है। सर्विस ऊपर, फिर इंडस्ट्री, फिर एग्रीकल्चर, मिनिमम सेम स्टेटस अभी भी है, ठीक है। एग्रीकल्चर का लीस्ट कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री का, उसके बाद और सबसे टॉप कंट्रीब्यूशन किसका है, सर्विस सेक्टर का, ठीक है। तो उससे कोई चेंज 2007 से कोई चेंज अभी हुआ नहीं, तो ठीक है। अब ये देखो, ये बस एक इंफॉर्मेशन की है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन भी था ई कॉमर्स से रिलेटेड, कि ई कॉमर्स फॉर्म जो है वो इंडिया में अपना अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है कि नहीं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, अपने प्लेटफॉर्म पे, या एज अ मार्केट प्लेस ही एक्ट कर सकते हैं, या सेल्फ अपने प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं, या फिर उनकी सब्सिडरीज के थ्रू भी, ठीक है। तो वो क्वेश्चन था, उसमें कई रूल्स आए थे, तो उन रूल्स को बस देखने के लिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, बस मैंने ऐड किया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ई कॉमर्स क्योंकि हमेशा से ही प्रोमिनेंट रहा है, तो ई कॉमर्स के रेगुलेशन भी हम लोग देख लेते हैं। आईटी एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स, ठीक है। कोई भी फॉरेन कंपनी आएगी तो फेमस इन्वॉल्व होगी, ठीक है, कि जब भी वो बाहर जाएंगे, या ई कॉमर्स में क्या है, फेमा भी नॉन कि ये भी फेमा हमेशा एक्टिव रहेगा। कॉम्पिटिशन एक्ट हर जगह मार्केट प्लेस में भी लगेगा, तो ई कॉमर्स में भी लगेगा। अब डिजिटल एरिया में आ गए तो डिजिटल प्रोडक्शन लॉज भी लगेंगे, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोडक्शन, तो चारों लगेंगे। उसके अलावा भी लगते हैं जीएसटी, जीएसटी लगता ही हर प्रोडक्ट पे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और जब हम ऐप्स यूज करते हैं यूपीआई वगैरह, तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, ठीक है। तो जब भी उन्हें पूछा जाए कोई भी रूल्स हैं, तो रूल्स कोई कोई ऐसा लगता है बाहर से फेमा, मतलब कि फेमा होगा कि नहीं, फेमा भी अप्लीकेबल है इसमें। आईटी एक्ट, ई कॉमर्स में हम इतना तो समझ जाते हैं कि आईटी एक्ट और डेटा प्रोटेक्शन लॉस और पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ये तो हम गैस कर सकते हैं, बट ये याद करने वाला है कि फेमा भी एप्लीकेबल रहता है। तो ऑल फोर, ये सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी इन अ कंट्री विद पॉजिटिव इन्फ्लेशन ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। पॉजिटिव इन्फ्लेशन की बात करें, जीडीपी डिफ्लेशन का फॉर्मूला बताया था, वो जब लगाते हैं तो हमें रियल जीडीपी मिलता है नॉमिनल में। तो रियल जीडीपी इज ऑलवेज लेस, Yes. क्योंकि क्योंकि उसमें पॉजिटिव इन्फ्लेशन से इन्फ्लेशन, हाँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है विद पॉजिटिव इन्फ्लेशन, ठीक है। पॉजिटिव इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं, यहाँ पे अच्छा इन्फ्लेशन मतलब कि प्लस के टर्म्स, ठीक है। तो जैसे जीडीपी डिफ्लेटर में हमने देखा था, डिवाइड करते हैं हम डिनोम न्यूमरेटर में, क्या डिनोमिनेटर में 1 प्लस वन प्लस जो भी इन्फ्लेशन का वो फैक्टर होगा, परसेंटेज परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन, वो ऐड करके। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव इन्फ्लेशन जब भी है तो रियल जीडीपी जो है नॉमिनल जीडीपी से कम आएगा। नॉमिनल जीडीपी मतलब, अगर किसी को दूसरी टर्म्स में क्या कहते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, करंट प्राइसेस करंट या मार्केट प्राइस, हम्म। ये सारे एक ही चीज के लिए टर्म्स है, इसलिए कंफ्यूज नहीं है। नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस
और जो जीडीपी है, फैक्टर कॉस्ट होगा वो अलग है, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट में हमने देखा टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं है। सब्सिडीज होंगी माइनस टैक्स। ठीक है, तो जीडीपी या फैक्टर कॉस्ट जो है वो कम आएगा क्योंकि इसमें टैक्सेस इंक्लूडेड फैक्टर कॉस्ट विल बी लेस। है। ठीक है, जीडीपी जीएनआई के इतने सारे टर्म्स थे, इनको मैं समझा कि ये बस टर्मिनोलॉजी की बात है। ठीक है, एक ही चीज को कई कई बार कहते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट वैल्यू एडेड। ठीक है, सेम ही चीज है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। एक और चीज आती है इनमें, नेट ग्रॉस और नेट भी होता है। ठीक है, ग्रॉस और नेट में हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। नेट में करेंगे ना डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट। इसमें हाँ, नेट ग्रॉस में से जो भी डिप्रिसिएशन सेपरेट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेट आ जाए। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो जीडीपी के बारे में इतने, जीडीपी के जो और फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो यही, जीडीपी अभी जीडीपी ग्रोथ जो इकोनॉमिक आउट आईएमएफ का जो है बीच में लास्ट में बस वो देख लेना, जो इकोनॉमिक आउटलुक है और करंट जीडीपी परसेंटेज एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, या लास्ट कभी कभी क्या होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे कि लास्ट डेकेड में भी पूछ लेते हैं कि कितना ग्रोथ हुआ है, कितना परसेंटेज टर्म्स में नहीं, हाँ सो स्टेडीली हाँ मतलब स्टेडली इस ग्रो तरह हुआ से। है या हाँ परसेंटेज टर्म्स में नहीं पूछेंगे बट ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल चेंज की मतलब पता होना चाहिए कि जिगजैग जा रहा है या कम हो रहा है बढ़ रहा है। वो एक और कहीं ऐसे नहीं, विकिपीडिया और ये सब नहीं देखना है। ठीक, ये जो डेटा देखना है, आज आपको मालूम है कि आईएमएफ रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक, वो जो डेटा है वो बताता है हर कंट्री का, तो उसमें सिंपल जाना, उसमें सारी चीजें लाइन से लिखी होती है, पर कैपिटा भी लिखा होता है। ठीक है, ग्रोथ रेट प्रोजेक्शंस भी लिखे होते हैं कितने होंगे, या अभी करंट जीडीपी कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है, कंपैरिजन सारी चीजें। दूसरी वेबसाइट्स में क्या होता है, थोड़ा एडल्टरेशन का खतरा, टाइपिंग मिस्टेक्स और ये सब, सोर्सेस अपने क्लियर रखने चाहिए, सही सोर्स से जो भी हम डेटा ले पड़े वो सही सोर्स से। तो ओके सर, जीडीपी और इसका इतना था, बाकी हाँ लाची के कुछ कंफ्यूजन थे ना उसमें स्कीम्स। यस सर। तो स्कीम्स में सर क्या एक डिजिटल डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में है और अदिति स्कीम में है। तो कंफ्यूजन नहीं, मैंने जैसे डिजिटल नाइन पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, नाइन पिलर्स को हाँ अगर मेन बात है कि याद करने में, या उसके जो फैक्टर्स नाइन पिलर्स है ना, तो देखो कितने सीक्वेंस में, कैसे कि गवर्नमेंट पिलर्स बनाती कैसे है, जैसे आप आंसर लिखते हो। ठीक, आंसर कैसे लिखते हैं, हम कोई भी चीज़ डेवलप करते हैं तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ठीक, एक पिलर होगा कि एजुकेट करेंगे हम डिजिटली। ठीक है, उसका ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, ग्रेजुएट्स क्रिएट करेंगे जो इंजीनियर्स बने आईटी सेक्टर के। तीसरा पिलर क्या होगा, एक मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ताकि वही जो इंजीनियर्स बने हैं उन, मतलब उस, हाँ तीसरा होगा स्किलिंग, उनको स्किल प्रोवाइड करेंगे। चौथा फैक्टर क्या होगा, अब प्रोडक्शन, तो कंपनीज को सब्सिडीज या प्रोडक्शन के लिए मोटिवेट करेंगे। पांचवा क्या होगा, अब हमें उनकी तरफ मूव करना है कि हमें विलेज में देना है, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, विलेज लेवल से शुरू करना है। ठीक है, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या आएगा कि ब्रॉडबैंड प्रोग्राम्स हो गए। ठीक है, उसको एक्सपेंड करना है, विलेज से शुरू करेंगे और जितना भी एकदम बेसिक एरिया तक हमें वो पहुंचाना है। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक, जब भी देखोगे स्कीम्स का कोई भी स्ट्रक्चर होगा तो ऐसे होता है। ठीक है, तो नाइन पिलर्स जब तुम इस तरह से देखोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अगर उल्टा सीक्वेंस नीचे से देखो कि यहाँ पे एकदम बेसिक से, कि बेसिक एजुकेशन सिस्टम में भी इंक्लूड कर रहे हैं, फिर हम अपस्किलिंग कर रहे हैं उसके लिए दूसरा पिलर है, फिर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसके लिए हम आईटी सेक्टर में,
उसके लिए तीसरा पिलर है। फिर उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन और कंपनीज को जो बोल रहे हैं वो चौथा पिलर है, ऐसे करके 9 पिलर। ओके सर। ठीक सर वो एक और चीज, ये हाँ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम और भारत नेट जो स्कीम आई थी, इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंसेस है या फिर दोनों सेम लेवल पर है? क्योंकि बिल्कुल मोस्टली डिफरेंसेस दोनों के हैं फीचर्स। फीचर्स एक जैसा है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में कई चीजों को, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का मतलब है हर एस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं। ठीक है, भारत नेट जो आया हाँ था वो मेनली विलेजेस को, ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ना था, उसका एक सिंपल क्राइटेरिया भारत नेट। ठीक, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के कई फेसेट्स है ना, उसमें जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स है उनको भी ज्यादा डिजिटलाइज करना है। ठीक है, सर्विसेज जो है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इंफॉर्मेशन जो है डिजिटल वे में प्रेजेंट की जा सके। ठीक है, ये भी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का एक पार्ट है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में सिटीज ओके सर। और वो सारी चीजें भी इंक्लूड है। अपस्किलिंग है, जो स्किल डेवलपमेंट है वो भी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एक तरह से अम्ब्रेला की तरह हो जाता है। ठीक है, भारत नेट भी ठीक है एक ठीक तरह डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में हेल्प कर रहा है। ठीक है, है सर, ठीक है। ऐसे कोई भी स्कीम जब भी आप पढ़ो तो ये चीज याद रखना, अगर कोई कंफ्यूजन हो इस तरह से पढ़ो, क्योंकि जो भी यहीं से आंसर राइटिंग करके अच्छा वही वही लोग तो गए वहां पे स्कीम बनाने के लिए, फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स और ये सारी चीज वही तो गए, तो वो भी जब भी बनाते हैं स्कीम, कोई भी स्कीम बनाएंगे तो ऐसे ही जो अगर बेसिक क्लियर ओके आइडिया है ये वैसे बनाना, तो जब भी स्कीम समझ में ना आ रही हो तो एक उसका जो स्ट्रक्चर है उस हिसाब से सब। ठीक है, सर, इसके क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? मतलब स्कीम्स रिलेटेड क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के अंदर मिलेंगे या फिर जनरली कहीं पे भी मिल जाएंगे? कहीं भी मिल जाएंगे। देखो सबके जो जिस तरह की स्कीम होगी, अलग अलग मिनिस्ट्री की स्कीम है तो वो अलग अलग सेक्शंस में आ जाती है। वैसे जो स्कीम्स जो है मोस्टली करंट का ही पार्ट होती है, बट ज्यादातर स्कीम्स जो है इकोनॉमी सेक्शन में मानी जाती है, बिकॉज स्कीम कहीं की भी हो फंडिंग तो फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगी ना, तो हाँ मेन इशू, ठीक तो है। मेन इशू उसी का है कि फाइनेंस इकोनॉमिक्स इसलिए इन्वॉल्व हो जाती है कि स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, तो मेन बात ये होती है कि फाइनेंस बाय गवर्नमेंट है तो इसलिए हम इकोनॉमी में काउंट कर लेते हैं। बट स्कीम्स के क्वेश्चंस ऐसे तो नहीं मिलेंगे ना, बस स्कीम्स ऐसे पढ़ लो जो मैंने फैक्टर्स बताए हैं उस टर्म्स में पढ़ लो, हाँ बस। जब भी क्वेश्चन फॉर्म होते हैं तो इसी तरह फॉर्म होते हैं कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, किस फील्ड से है, क्योंकि कंफ्यूजन जैसे सिर्फ अगर सिर्फ उन्होंने नाम दे दिया, ठीक है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम फिर भी समझ आ रहा है। ठीक है, अब उन्होंने लिख दिया ठीक अदिति, अगर आपने नहीं पढ़ा है पहले कभी देखा ही नहीं तो सर। आदित्य स्कीम अगर तो अभी वाली है ना, लेटेस्ट जो आई है कि हाँ पुरानी भी है? नहीं है अभी वाली है आदित्य स्कीम, तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो चीज नहीं पढ़ी है पहले, मान लो कोई स्कीम्स ऐसी होती हैं जिनका हमने पढ़ा ही नहीं है तो फिर हमें कंफ्यूजन होती है, वरना स्कीम से क्वेश्चन बहुत ही एक बार हम पढ़ चुके हैं तो बहुत ही डायरेक्ट होते हैं और इजी हो सकते हैं अगर आपने पहले की। ठीक सर मैंने है, पहले और बहुत कम स्कीम्स कर लिया है। ठीक हाँ तो इसलिए डबल एज सॉर्ड है, अगर एकदम नहीं पढ़े तो एकदम से लगता है ये क्या है। ठीक है, अगर क्योंकि उन्होंने एब्रीवेशन ही दे दिया और उस स्कीम में क्लियरली पता नहीं चल रहा है किस फील्ड से है और जस्ट सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने कि ये टेली कम्युनिकेशन के लिए है या एग्रीकल्चर के लिए है या एजुकेशन के लिए है, और तो जब पता ही नहीं है तो फिर उस सेक्शन में चला जाए, ये तो क्वेश्चन जिसमें चारों नहीं आते थे ऑप्शन। ठीक तो बस ना, अब देखो दो चीजें रह जाती, एक एक मैं परसों ही श्योरली स्टॉक मार्केट कवर करूंगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट और उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, साइंस में वो रह गया था, देखिए क्या केमिकल्स और कुछ स्पीशीज वगैरह को भी, ठीक है, वो रह गया था तो वो कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब तो टाइम रिवीजन 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 वाले ही आएंगे। ठीक है, तो अपने आप करना होगा, बाकी जो चीजें नहीं आ रही जिस पे रहता है कि हाँ अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं
या जिस पे लगता है हमें कि रिवीजन करने हैं, तो हम क्लास में भी उसकी क्लास बना के इवन PT 365 की या किसी को कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ मेहनत कर लूंगा जिसमें जैसे लगता है कि यहाँ पे आके अच्छा रिवीजन हो जाता है तो यहाँ के कर लूँ, जैसे अपने आप रीड करके लगता है रिवीजन तो वैसे कर लूँ। तो ये कर लेंगे, लास्ट मोमेंट तक साथ में चलते रहेंगे तो पूरे एकदम पूरे पक्के हो जाएंगे। चलो फिर अगर क्वेश्चन आपके में शुरू। नहीं, मैं ये बोल रही थी। ओके सर। अच्छा ठीक है, चलो दिन आज के लिए इतना ही, फिर पक्के से फ्राइडे को मिलते हैं। पिछली बार इसलिए लेक्चर कैंसिल हो गया था, मैंने पूरा लेक्चर तैयार करके रखा था और जस्ट क्लास से पहले सेव नहीं किया था और लैपटॉप बंद हो गया और सारा प्रिपेयर दोबारा मैंने। उस दिन तो ना मैं जा रही थी, जी इतना हेडेक हो रहा था बहुत ज्यादा, तो मैं ज्यादा मैं लेक्चर अटेंड ही नहीं कर पाऊंगी। तो जैसे ही आपका मैसेज आया मैं तो खुश हो गई, चलो अच्छा कैंसिल हो गई। ये तो डबल मेहनत हो गई ना दोबारा से सारा बनाना। हाँ सर, उसके लिए सॉरी चलो ठीक है, डिनर टाइम। जी, मिस्ट्री। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। नाइट थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर।